मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने विकासखंड चौरी चौरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरदार नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरी चौरा में कोविड वैक्सीनेशन के साथ साथ ग्राम गौनर में निगरानी समिति के कार्यों का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने ग्राम गौनर में निगरानी समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए प्रत्येक निगरानी समिति को पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर एवं मास्क उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करते हुए ग्राम गौनर में प्रत्येक घर का सर्वे कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हम सभी को भी अनुशासन में रहना होगा और हमें मास्क पहनना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अन्य लोगों को भी जागरूक करना होगा। उन्होंने आरआरटी टीम एवं निगरानी समिति के सदस्यों से संवाद करते हुए कहा कि निगरानी समिति का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। निगरानी समिति में आशा एएनएम के साथ साथ ग्राम पंचायत सचिव की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गांव में लक्षण वाले व्यक्तियों की तत्काल कोविड जांच कराई जाए और मरीजों को दिए जाने वाले दवाओं में आयुर्वेद की भी दवा शामिल की जाए तथा आरआरटी टीम अनिवार्य रूप से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की जांच करे। इसके उपरांत मंडलायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरी चौरा का निरीक्षण कर वहां पर कोविड-19 के लिए L2 स्तर का चिकित्सालय तैयार करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हम गए तो जैसे सिगरेट का धुआं होता है, सिगरेट का धुआं किसी ने फूंका और उसके बाद वो चले गए, वो वहां धुआं रहता है, वैसे ही वो वायरस रहता है। इसलिए मास्क हर वक्त लगाना है और ठीक तरीके से लगाना है। और तीसरी चीज, निगरानी समिति को घर घर जाके चेक करना है कि लक्षण युक्त व्यक्ति क्या है। लक्षण क्या है? गला खराब होगा। धर्म, जाति, आयु, आर्थिक वर्ग, संवर्ग, ये कुछ नहीं देखता है। यदि प्रधान जी सोच रहे हैं या कोई और सोच रहा है कि उस घर में रहेगा, इस घर में अपना मास्क के लिए करना चाहिए। कौन आपके यहाँ देखता है? निगरानी समिति आप ही डायरेक्टली देखते हैं? आपके साथ कौन कौन रहता है जब आप जाती हैं किसी घर में? सर, हमारे साथ हम और निगरानी समिति के डॉक्टर रहते हैं। और जो निगरानी समिति में डॉक्टर तो नहीं होता? नहीं, जो डॉक्टर हम लोग बुलाते हैं वो लोग रहते हैं। ठीक है, इसमें सचिव साहब आपका रोल है। आप यदि जाएंगे तो ये सब नहीं होगा, आप नहीं जा रहे हैं इसलिए ये सब हो रहा है। गवर्नर का रेट ज़्यादा है, सचिव को जाना चाहिए जिस गांव में ये लोग जा रही हैं। क्यों नहीं गवर्नर के हर हर एक एक घर का आप सर्वे कर लेते हैं? MIC साहब, आप टीम और दो तीन लगा दीजिए ना, एक तरफ से आशा एनम जाए, हर घर में लक्षण वाला जो लक्षण युक्त है वो देख लें, ज़्यादा जरूरत हो थाने से भी किसी को ले जाए। सर, हाल टू हाल सब लोग गए हैं, घर टू घर तक ना आता ना उनको। घर का सर्वे किया है गवर्नर ने? यहाँ पे जो नौ आसन है सर, नौ लोग पूरे घर घर से किए हैं सर। जो पॉजिटिव मिले उन्हीं को लोकल दिया गया है। देखिए, इसमें निगरान, इसीलिए हम लोग आपसे निगरानी समितियों अच्छा भी होना चाहिए जिसमें लिखा हो किसको कब खानी है। आप बता के आए, वो भूल गए तब क्या होगा? स्लिप है सर, स्लिप रहती है सर, स्लिप पहले से डाल दिया जाता है। नहीं, इसमें होनी चाहिए जी। आपको किसी ने बोला है आने के लिए या आप लोग खुद आए? क्यों आए? किसी ने स्वास्थ्य विभाग से आपको कॉन्टेक्ट नहीं किया?